नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर इन तीनों देवों का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की हर बाधा दूर हो जाए। लेकिन एक साथ इन तीन देवों की कृपा कैसे मिले, इसके लिए आपको करनी होगी वट वृक्ष की आराधना और फिर पूरी हो जाएगी आपकी मनोकामना। इसलिए आज हम आपको वट वृक्ष की महिमा और इसकी उपासना के बारे में बताएंगे। एक वृक्ष जो पूजनीय है, एक वृक्ष जिसमें है त्रिदेवों का वास, एक वृक्ष अक्षय है, एक वृक्ष जहां तप साधना है खास। वृक्षों की पूजा हमारे देश की समृद्ध परंपरा और जीवन शैली का अंग रहा है। यूं तो हर पेड़ पौधों को उपयोगी मानकर उसकी रक्षा करने की परंपरा रही है, लेकिन वट वृक्ष या बरगद की पूजा खास महत्व रखती है। ज्योतिषी कहते हैं कि वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। शास्त्र में और वेदों में बताया गया है कि बरगद के वृक्ष जितने फलदायी और इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है। ब्रह्मा जी का वास बरगद के जड़ में माना गया है और तनाव में भगवान विष्णु का वास है, और जो शाखाएं हैं उसमें भगवान रुद्र का अवतार माना गया है। और वट वृक्ष का इसका नाम अनेक है, वट वृक्ष है, बड़ वृक्ष है और बरगद है, और सावित्री भी बरगद के वृक्ष की पूजा करके अपने पति सत्यवान को प्राप्त की थी यमराज से। जहां तक धार्मिक महत्व की बात है, इस वृक्ष की बड़ी महिमा बताई गई है। बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी विशाल वृक्ष है, हिंदू परंपरा में इसे पूज्य माना जाता है। अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए। उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ। ऐसा मानते हैं कि इसके पूजन से और इसकी जड़ में जल देने से पुण्य प्राप्ति होती है। ये वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। जिस प्रकार पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार बरगद को शिव जी माना जाता है। ये प्रकृति के सृजन का प्रतीक है, इसलिए संतान के इच्छित लोग इसकी विशेष पूजा करते हैं। ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। जब माँ सीता और रामचंद्र जी वनवास में गए थे तो वहां पे पंचवटी जो स्थान है उसका आशय होता है कि पांच बरगद के वृक्ष जहाँ पर रहते हैं उसको पंचवटी कहा गया है। और वेद पुराणों में भी आया है, मंत्र आता है, ओम अश्वत्थे वो निखदानं पर्णे वो वसति कृता गो भाज इतिला सथ जसन तपुरुखम जाओ खदी पूर्वा जाता देव श्रीगम पुरा मनेनु बब्रूला महगो सतन धामानी सप्त चौक। यही नहीं, प्रयाग में गंगा के तट पर स्थित अक्षय वट को तुलसीदास जी ने तीर्थराज का छत्र कहा है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था, तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में वट वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है। वट वृक्ष की पूजा से हमें अनेकों लाभ होते हैं।
हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो बरगद के जड़ को उसके सिरहाने पर रख दिया जाए तो उसको बीमारी से अधिक जल्दी से मुक्ति प्राप्त होती है। वट वृक्ष को ईश्वर माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा उपासना से कई तरह की समस्याओं का अंत भी संभव है। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा से तीन देवों की विशेष कृपा मिलती है। शास्त्रों में वट वृक्ष चार तरह के बताए गए हैं। वट वृक्ष के प्रकार अक्षयवट, पंचवट, मंशीवट, गयावट और सिद्धवट। इसमें चार वट वृक्षों का महत्व अधिक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। भगवान शिव जैसे योगी भी वट वृक्ष के नीचे ही समाधि लगाकर तप साधना करते थे। वट वृक्ष अनेकों प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में। कुछ छोटा है, कुछ बड़े हैं, कुछ दीर्घायु है, कुछ की आयु अल्प आयु मानी गई है, लेकिन उसके नाम विभिन्न है। वट है, बरगद है, बड़ है और अनेकों नाम शास्त्रों में बताए गए। वट वृक्ष का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही आयुर्वेदिक भी। कई तरह के रोगों को दूर करने में बरगद के सभी भाग काम आते हैं। इसके फल, जड़, छाल, पत्ती सभी भागों से कई तरह के रोगों का नाश होता है। वायुमंडल को भी बरगद का पेड़ शुद्ध करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने और ऑक्सीजन छोड़ने की भी इसकी क्षमता बेजोड़ है। ये हर तरह से लोगों को जीवन देता है। ऐसे में बरगद की पूजा का खास महत्व स्वाभाविक ही है। धार्मिक महत्व यह है कि इसकी पूजा करने से हमारे सुख संताप की प्राप्ति होती है और जब हम इसके जड़ में जल डालेंगे तो हमारे व्यापार में वृद्धि होगी। वैज्ञानिक महत्व यह है कि अगर हम लोग बरगद के छांव में बैठते हैं तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि बरगद के छांव में बैठने से हमें शीतलता प्राप्त होती है और जो जल रखा रहता है या अगर कूप अगर है वहां पे तो वहां से बहुत शीतल जल हमको प्राप्त होता है और यहाँ पे निगेटिव ऊर्जाएं नहीं होती है और हमें पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस तरह पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है उसी तरह बरगद को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। बरगद की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी आपको ऐसा पुण्य मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता। अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आपको वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी है हम आपको ये आगे बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा उपासना कई गुना पुण्य फल देने वाली है। शास्त्रों में भी इस महान वृक्ष की महिमा और महत्व का गुणगान है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास अक्षय वट में होता है, इसलिए इसकी उपासना से इन तीन देवों की विशेष कृपा बरसती है। तो कैसे करनी है अक्षय वट की पूजा, चलिए आपको बताते हैं। हमने आपको बताया कि जिस बरगद के पेड़ को आप कोई साधारण पेड़ मान रहे थे, दरअसल उसको साक्षात महादेव का प्रतीक माना जाता है। महादेव के प्रिय पेड़ बरगद की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी आपको ऐसा पुण्य मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता। बरगद के वृक्ष की एक अन्य विशेषता है कि जो उसकी जटाएं होती हैं उसमें देवी देवताओं का और ऋषियों का वास माना गया है और जब जटा इसकी जमीन से स्पर्श करती है तो ये जटा कुछ दिन बाद खुद एक नया वृक्ष का रूप धारण कर लेती है और इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मूल जड़ है इसको हम लोग कभी खोज नहीं पाते हैं और ये इसका हर शाखा, हर तना, हर जटा एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है
और ये दीर्घायु कम से कम 250-300 वर्ष की इसकी आयु मानी गई है। लेकिन बरगद के पेड़ की पूजा उपासना कैसे करनी है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां तक संभव हो बरगद का वृक्ष लगाएं और लगवाएं। हर सोमवार को बरगद के पेड़ की जड़ों में जल डालें। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे या उसके पास बैठकर नमः शिवाय का कम से कम 11 माला का जाप करें। जाप के बाद अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। बरगद के पूजा के समय हमें एक तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का विधान बताया गया है और उस दिन बट वृक्ष के पूजा के समय हमको निराहार रहना चाहिए। व्रत उपवास का जो शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं जैसे खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए या जूठा पानी नहीं पीना चाहिए और शुद्ध मन से चित्त मन से संध्या स्नान पूजन करने के पश्चात बरगद के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए जिसमें धूप है, कुमकुम है, चंदन है, दीपक है, घी का दीपक जलाना चाहिए और जो भी हमारे सामर्थ्य के अनुसार पीला वस्तु, पीला फल, पीला पेड़ा इसका भगवान को बरगद के वृक्ष को भोग लाना चाहिए। वट वृक्ष पूजनीय है ऐसा मानते हैं कि इसके पूजन से और इसको जल देने से पुण्य मिलता है। ये प्रकृति के सृजन का प्रतीक है इसलिए संतान चाहने वाले इसकी विशेष पूजा करते हैं। बरगद के पूजा वट सावित्री ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन पड़ती है जो वट सावित्री के नाम से विख्यात है। माता सावित्री भी ने अपने पति की दीर्घायु और यमराज से प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन व्रत किया था। महादेव के प्रिय पेड़ बरगद की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है यानी आपको ऐसा पुण्य मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता। बरगद के पेड़ लगाकर या लगवाकर आप पर्यावरण तो बचाएंगे ही साथ ही धार्मिक रूप से भगवान शिव के करीब आ जाएंगे। एक और चमत्कारी प्रयोग है जिसके बिना अधूरी है महादेव की उपासना जिसके प्रयोग से पूरी होती है आपकी कामना। आगे जानिए। और चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सटीक प्रयोग, एक ऐसी दैवीय वस्तु जिसके बिना शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। हम बात कर रहे हैं बिल्व पत्र की। चाहे संतान की समस्या हो या आप चाहते हो शिव से विवाह का वरदान हासिल करना, शिव शंकर को बिल्व पत्र अर्पित करने से हर मुश्किल हो जाएगी आसान। तो चलिए आपको बताते हैं आपकी हर समस्या का समाधान बिल्व पत्र से और उसके प्रयोग से कैसे आप हासिल कर सकते हैं। बेल पत्र बिना अधूरी है शिव आराधना। बेल पत्र से पूरी होगी महादेव की उपासना। बेल की पत्तियां माना जाता है ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वो भोले हैं, आदि देव हैं और बस फूल पत्तों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो ऐसी मान्यता है कि शिव की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती है। तो अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। यदि ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ बिल्व पत्र की 5 पत्तियां जो किसकी किनारी टूटी हुई ना हो शिव जी को उल्टा करके चढ़ाते हैं तो शिव जी अति प्रसन्न होकर आपके मनोवांछित कामना पूर्ण करते हैं। बिल नामक वृक्ष की पत्तियों को बिल पत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती हैं और इनको एक पत्ता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बिल पत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं।
बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग के अलावा औषधीय प्रयोग भी होते हैं। जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किया हुआ बेलपत्र शिव को अप्रसन्न भी कर सकता है। तो गौर से देखिए बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों को। भगवान शिव का महामृत्युंजय पाठ करें और साथ में हर मंत्र के साथ एक बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाएं, गंगा जल दूध से अभिषेक करें। निश्चित आप समझ लीजिए कि आपके शरीर से रोग के अंश ही समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसके दवाई भी आपको लगनी शुरू हो जाएगी, चाहे डॉक्टर आपको कह चुका हो कि आपको लाभ नहीं हो पाएगा, निश्चित वो डॉक्टर भी अचरज में आ जाएगा भगवान शिव की कृपा से। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी हुई ना हो और उनमें छेद भी नहीं होने चाहिए। बेलपत्र जब भी शिव जी को अर्पित करें चिकनी तरफ से ही करें। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र को कभी भी टहनियों के साथ नहीं तोड़ते। बेलपत्र के एक एक त्रिदल को तोड़ना चाहिए। सावधानी रखें कि वृक्ष को कोई क्षति ना हो। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को प्रणाम जरूर करें। सोमवार और विशेष पर्वों पर बेलपत्र ना तोड़ें। बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग नहीं है, तमाम औषधियों में भी काम आता है बेलपत्र। इसके प्रयोग से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल होती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र के औषधीय प्रयोग क्या क्या है। और इसमें एक विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है कि इसको जिस दिन भगवान शिव को चढ़ाना है उस दिन एक तो तोड़े नहीं। उस दिन मान लीजिए सोमवार को चढ़ाना है तो सोमवार को कभी भी बेलपत्र ना तोड़े, आप रविवार को तोड़ के रख लें। अगर आपको जिस भी दिन चढ़ाना है वो तिथि चतुर्दशी ना हो। दूसरा, बेलव पत्र जो कट फट जाता है, जिसका किनारी कटी हो, जिसमें छेद हो, या किसी पक्षी ने जिसको काट लिया हो या कीड़े ने खा लिया हो, वो भगवान शिव पे नहीं चढ़ाया जाता। वो औषधीय रूप में तो प्रयोग करने के लिए योग्य होता है धोने के बाद में, परंतु उसको भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। ये सावधान रखने की बात है। बेलपत्र का रस आंख में डालने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से राहत मिलती है। सुबह बेलपत्र का रस पीने से पुराना सिरदर्द भी ठीक हो जाता है। भगवान शिव की हर पूजा अर्चना में बेलपत्र का प्रयोग होता है। बेलपत्र के प्रयोग में आपकी हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। केवल बेलपत्र अर्पित करके भी आप भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए बने रहिए GNT के साथ।